गोंडा पुलिस अपराधियों के विरुद्ध बड़ी कार्रवाई को अंजाम दे रही है। वहीं गोंडा में गुंडों के हौसले बुलंद नजर आ रहे हैं। ताजा मामला नवाबगंज थाना क्षेत्र के अंतर्गत कटी चौराहे के पास का है, जहां दो टोपे चालक आपस में भिड़ गए और देखते ही देखते दोनों के बीच विवाद इतना ज्यादा बढ़ गया कि दबंग सूरज यादव ने राहुल सिंह पर ताबड़तोड़ फायरिंग की, जिससे राहुल सिंह को गोली लगने से गंभीर रूप से वो घायल हो गया, जिसके बाद बदमाश फरार हो गए। सूचना पाकर मौके पर पहुंची नवाबगंज पुलिस ने घायल युवक को इलाज के लिए नवाबगंज सीएससीसी पहुंचवाया, जहां घायल युवक को जिला अस्पताल रेफर किया गया। अपराधी पुलिस की गिरफ्त में अभी भी फरार है। वहां पर पुलिस अधीक्षक शिवराज ने बताया कि नवाबगंज थाना क्षेत्र के अंतर्गत गोलीकांड का मामला सामने आया है, जिस पर पुलिस ने मामले में अभियोग पंजीकृत कर लिया है और अभियुक्त को गिरफ्तार करने के लिए कई टीमें गठित कर दी गई है। गोंडा से तुफेल खान की रिपोर्ट। और जब गोंडा कस्बा नवाबगंज दोपहर के समय कटी तिराहे के पास सूरज यादव और उसके साथियों के द्वारा जो है फायरिंग करके चोटें पहुंचाए गए। राहुल सिंह को कंधे के चोटें आई हैं, उनको जिला अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया, ये हालत सामान्य है। और उनके बड़े भाई रविंदर सिंह की तरफ से तहरीर प्राप्त हुई, अभी पंजीकृत किया जा रहा है और जो जो इसमें अभी